As our Secretary, Electronics and IT, Shri Ajay Prakash Sahani, then Law Secretary, Shri Suresh Chandra Ji, then DG UIDAI, Shri Ajay Bhushan Pandey Ji. Friends, as usual, follow the points of order. The Honorable Minister will make opening remarks, then after us we will take some questions. Kindly keep your telephones on a switch off or a silent mode. Over to the Honorable Minister. Mitro, namaste. Are you over? Can I chair for you? LD Secretary, come. मित्रों आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है जिसमें राइट टू प्राइवेसी को उन्होंने फंडामेंटल राइट घोषित किया है द गवर्नमेंट वेलकम्स दिस जजमेंट गवर्नमेंट हैज बीन कंसिस्टेंटली ऑफ द व्यू पर्टिकुलरली विथ रिगार्ड टू आधार ऑल्सो दैट The right to privacy should be a fundamental right flowing from Article 21 and it should be subject to the reasonable restrictions as enjoined therein. Kyunki ye pura mamla aadhar ke bare mein aaya tha, main vistar se baat karunga uske bare mein. Isliye pehle isko batana zaruri hai. और आज सरकार की ओर से हम आपके लिए एक रिटन स्टेटमेंट भी इशू कर रहे हैं एक बात मुझे कहनी है कि यूपीए ने आधार लाया था बिना किसी कानून के और ये पूरी चर्चा ये हमारी सरकार के आने के पहले का केस है और पूरी चर्चा इस बात से हुई थी कि हाउ कुड द गवर्नमेंट कलेक्ट डेटा और इंसिस्ट अपॉन बायोमेट्रिक्स without any legislative sanction. ये बहस का मुद्दा था तो यूपीए सरकार के काम करने का तरीका था फिर हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल आया नोन एज द आधार एक्ट आधार टारगेटेड डिलीवरी एंड फाइनेंशियल अदर सब्सिडी बेनिफिट सर्विसेज एक्ट 2016. अरुण जेटली जी माननीय वित्त मंत्री जब इस एक्ट को पार्लियामेंट में मूव कर रहे थे तो राज्यसभा में उन्होंने एक बात कही थी और आज के हमारे स्टेटमेंट में कोटेड है इज प्राइवेसी ए फंडामेंटल राइट और नॉट द प्रेजेंट बिल प्री सपोजेज एंड देन बेस्ड ऑन द प्रेमाइस दैट इज टू लेट इन द डे टू कंटेंड दैट प्राइवेसी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट सो आई डू एक्सपेक्ट दैट प्रॉब्ली प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट नाउ वेयर डू यू फिट प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट एंड दैट इज वेयर आई वॉन्ट टू क्लियर द मिसकंसेप्शन ड्यू टू विच दीज अमेंडमेंट्स विच हैव बीन प्रपोज्ड It is contended and broadly it is now accepted that privacy is a part of individual liberty. So when Article 21 says no person shall be deprived of the right to life and liberty without procedure established by law, then let's assume that privacy is a part of liberty and no person shall be deprived of it without procedure established by law. Obviously, the right is not absolute. It is subject to restrictions. It has to be fair and just. The point I would like to highlight is that much before even the creation of the 9th bench of the Honorable Supreme Court, the government, while moving the Aadhaar Act in the Parliament, through the Honorable Finance Minister, has clearly acknowledged that right to privacy is a fundamental right, flowing from Article 21, but is subject to reasonable restrictions. It has to be fair and just. मित्रों मैं यूपीए की और चर्चा बाद में करूंगा लेकिन जजमेंट पर आने के पहले मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं आज सुबह से कांग्रेस के लोग हम पर अटैक कर रहे हैं और उनके साथ लेफ्ट भी जुड़ गया है व्हाट हैज बीन द कांग्रेस रिकॉर्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी आई वुड लाइक टू नो और ये जब मैं बोल रहा हूं तो बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं कि इस सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी राजनाथ जी सुषमा स्वराज अरुण जेटली रविशंकर प्रसाद ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन किया था
जेपी मूवमेंट में, जेल भी गए थे। और आज आपको बताना चाहता हूं कि उस समय जो चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो कांग्रेस की ओर से बहस की गई थी उस समय के अटॉर्नी जनरल नीरेन डे ने कि इफ ए पर्सन डिटेन्यू इज किल्ड इनसाइड ए प्रिजन ही हैज नो रेमेडी। दैट इज द रिकॉर्ड ऑफ कांग्रेस पार्टी, आई एम सॉरी टू से दैट। और बाकी 50s 60s आज की प्रेस में इस पर चर्चा नहीं करूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से सिविल लिबर्टी के बारे में क्या क्या अपना स्टैंड रखा है। ड्यूरिंग इमरजेंसी 3 इश्यूज वेयर इन डिबेट। फर्स्ट वॉज इंडिविजुअल लिबर्टी, सेकेंड वॉज मीडिया फ्रीडम, एंड थर्ड वॉज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देयरफॉर दिस गवर्नमेंट इज लेड बाय लीडर्स हु हैव फॉट एंड सफर्ड फॉर द कॉज ऑफ ऑल दी 3 फ्रीडम्स। ये बात मुझे इसलिए बतानी थी कि आज सुबह से हमें सिविल लिबर्टी की नैतिकता की दुहाई दी जा रही है, और वो भी बिना जजमेंट पढ़े हुए। कोई बात नहीं, ये उनके बोलने का तरीका है। मित्रों, नाउ आई कम टू द जजमेंट एंड देन आई विल कम टू आधार एक्ट एंड देन आई विल टेक क्वेश्चंस। तो पहली बात आप ये जान लें कि सरकार ने स्पष्ट रूप से राइट ऑफ प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट के रूप में देखा, इसलिए मैंने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग आपके सामने रीड की। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने भी बहस में यही कहा कि राइट ऑफ प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट चैप्टर सब स्पेसिस सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। बट दिस वॉज क्लियरली आर्ग्यूड दैट लाइक ऑल अदर फंडामेंटल राइट द राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इट इज सब्जेक्ट टू द सेम कंडीशंस एज इज अवेलेबल टू द राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी और अदर फ्रीडम्स ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन मूवमेंट एक्सेट्रा। अब मैं आज सुप्रीम कोर्ट के कुछ पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं आपके सामने, क्योंकि सुबह से बिना जजमेंट पढ़े हुए बहुत बड़ी बड़ी बहस की गई है और बहुत बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी टिप्पणी की है, तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा जजमेंट तो पढ़ना जरूरी है। ये 4 माननीय न्यायमूर्तियों ने एक साथ जजमेंट दिया है, जस्टिस खेहर, जस्टिस आर के अग्रवाल, जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, जस्टिस अब्दुल नजीर, और मैं उसके पैराग्राफ सी को पढ़ता हूँ कंक्लूजन के। प्राइवेसी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट विच इमर्जेस प्राइमरली फ्रॉम द गारंटी ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21। तो जो अरुण जेटली जी ने हाउस में कहा था उसको कोर्ट ने अपहोल्ड किया। फिर मैं पैराग्राफ एच पढ़ रहा हूं ऑफ कंक्लूजन। लाइक अदर राइट्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम प्रोटेक्टेड बाय पार्ट 3 इंक्लूडिंग द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, प्राइवेसी इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। ए लॉ विच इंक्लूजन अपॉन प्राइवेसी विल हैव टू विदस्टैंड द टचस्टोन ऑफ परमिसिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो ये 4 जजेस ने कहा। अब मैं पढ़ रहा हूं, हाँ एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, हमने डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है हेडेड बाय जस्टिस श्री कृष्णा, ए वेरी एमिनेंट रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और कोर्ट ने उसको नोट किया है। लेकिन कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है जो मैं पढ़ना चाहता हूं। द क्रिएशन ऑफ सच ए रिजीम रिक्वायर्स ए केयरफुल एंड सेंसिटिव बैलेंस between individual interest and legitimate concerns of the state. The legitimate aims of the state would include, for instance, protecting national security, preventing an investigative crime, encouraging innovation and the spread of knowledge and preventing the dissipation of social welfare benefits. Therefore, the court clearly acknowledges that a robust data regime is needed to balance the sensitive concerns between individual interest and the state interest, national security, investigation, and above all, distribution of benefits to the poor underprivileged. What they say, preventing dissipation of social welfare benefits. Therefore, the court has clearly spoken about balancing the equities.
right of privacy, fundamental right, but not an absolute right, subject to reasonable restriction. Thirdly, the most important, there has to be the balancing of equity between individual protection and also the other interest. So, I want to read the senior judge, Chalmeshwar's judgment ka teen line padhna chahta hun. It goes with paragraph 42. It goes without saying that no legal right can be absolute. Every right has limitations. This aspect of the matter is conceded at the bar. Therefore, even a fundamental right to privacy has limitations. The limitations are to be identified on a case-to-case basis, depending upon the nature of the privacy interest claimed. It is not absolute, to be determined on a case-to-case basis. Now, I want to read in front of you Justice Ain Sapre's judgment. Paragraph 35 of his conclusion. However, it is not an absolute right, but is subject to certain reasonable restrictions. Which the state is entitled to impose on the basis of social, moral, and compelling public interest in accordance with law. Similarly, I also hold that right to privacy has multiple facets, and therefore, the same has to go through a process of case-to-case development, as and when a citizen raises his grievance. Baki maniya nyayamurtiyon ne bhi aise hi kaha. Therefore, just to concretize, the essence of the judgment is right of privacy is a fundamental right. This right is not an independent fundamental right. But this right flows from Article 21 primarily and also some other rights. Being a fundamental right, it is not absolute. It is subject to reasonable restriction. It has to be fair, just and proper. Ek prakar se jo Bharat ke vitt mantri ne Bharat sarkar ka paksh rakhte hue Raj Sabha mein Aadhaar Act ko aage badhate hue kiya tha, ye uska affirmation hai, ye hum bahut aadar se bol rahe hain. We wish to say with profound respect that the essence of the judgment of the 9 bench is a very wider affirmation of the crux of the observation made by the finance minister on behalf of the government while moving the Aadhaar Act. Mitro, main thodi baat Aadhaar Act ke bare mein batana. और आज यूपीए बार-बार अपने आधार एक्ट हमारे आधार एक्ट की तुलना कर रही है. It is unknown in civilized existence that a government was seeking to collect data of its countrymen without the authority of law. There was no legislative instrument at all available, and therefore the concerned citizens had a very legitimate query to ask. We don't know the terms and conditions and the context and the authority on which our data is being collected. Krishna ka ashar ki baat nahi hai, UPA sarkar aise hi kaam karti thi. Lekin important ye hai ki 2009 se ye kaam shuru hua aur hum 2014 mein aaye, to 7 saal mein bhi unhone koi kanun nahi banaya tha. Humne pehla kaam kya kiya, ye kanun banaya. और इस कानून में आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसका सेक्शन 27, 28, 29, 30, 31, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शैल बी प्रोटेक्टेड, नो अनऑथराइज्ड यूज. आपसे मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं देश का आईटी मंत्री हूं और मैं अपना डेटा और फिंगरप्रिंट भी किसी को अनऑथराइज नहीं दे सकता. आई कैन ऑल्सो बी प्रोसिक्यूटेड. दिस इज द टफ इकोसिस्टम ऑफ दिस लॉ विच वी हैव. दूसरी बात, सेक्शन 33 आप जान लीजिए, भारत सरकार किसी को भी डेटा रिलीज करने की इजाजत नहीं दे सकती एक्सेप्ट
in case of compelling public interest. And this compelling public interest shall be affirmed first by the Joint Secretary Home and to be vetted by a committee of the Cabinet Secretary, the IT Secretary and the Law Secretary. So, itna humne safeguard rakha hai jo Supreme Court ke judgment ke aadhar par hai. Ek baat hum aadhar ke bare mein jarur batana chahenge. Kyunki ab Supreme Court ne kaha hai ki it will go to the three bench, to wahan bahas hogi. Ek baat hum aadhar ke bare mein jarur batana chahenge. Abhi tak aapne maloom hai humne lagbhag 30 crore jandhan account khole hain. उसको आधार से जोड़ा और आपके मोबाइल से सीड किया एंड वी आर सेंडिंग सब्सिडी अमाउंट डायरेक्टली टू द पुअर इन द बैंक अकाउंट इन द लास्ट नियरली 3 years वी हैव सेव्ड क्लोज टू 57,000 करोर्स विच यूज टू बी पॉकेटेड बाय मिडलमैन और फिक्टिशियस पर्संस तो गरीब तो बहुत खुश है इससे उसके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है और यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी का एक पब्लिक स्टेटमेंट है कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और जमीन में 15 पैसा पहुंचता है और आज मोदी जी की सरकार में हम 1,000 रुपये भेजते हैं तो जमीन पर 1,000 रुपये पहुंचता है अकाउंट में द पुअर आर हैप्पी दे आर फीलिंग एम्पावर्ड आज थोड़ा हमारे दिल्ली के प्रमुख पत्रकार हैं ये इंपॉर्टेंट प्रेस है तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं ये मेरा आधार कार्ड है आपके पास भी है व्हाट डज इट कंटेन मेरा नाम आई एम ए मेल एंड माय परमानेंट पटना एड्रेस इट डज नॉट कंटेन माय फादर्स नेम माय मदर्स नेम माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन माय रिकॉर्ड ऑफ माय डिजीजेस माय इनकम माय रिलीजन my community or any other thing by which I can be profiled. But what it contains is, in a very safe and secure condition, my biometrics and my iris is there in encrypted condition. Aur aaj puri duniya Bharat ke is technology marvel ko appreciate kar rahi hai. इसके बारे में बहुत चर्चा होती है बाकी कभी विस्तार से आधार के बारे में आपसे चर्चा करेंगे लेकिन मुझे एक बात कहनी है इट वर्क्स ऑन ए फाइन प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इंफॉर्मेशन मैक्सिमम यूज फेडरेटेड प्रिंसिपल अगर किसी बैंक के पास आप जाते हैं अकाउंट खोलने और आधार वाला उसको कंफर्म करता है यू नो आधार सिस्टम ऑथेंटिकेट्स 3 crore बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन एवरी डे दैट इज a technology marvel of India, completely homegrown. You should be proud of that. और आज पूरी दुनिया World Bank भी उसकी तारीफ कर रहे हैं तो आधार सिस्टम does not know what for my information is being sought. He will only say he is Ravi Shankar Prasad, whose number is this. हमने सिम कार्ड में आधार को लगाया 32 crore सिम कार्ड दिया आधार पर अगर कोई सिम कार्ड की कंपनी उस इंफॉर्मेशन को दूसरे को देगी दे कैन बी हाउल्ड अप गो टू जेल फॉर 7 years 10 lakh fine. लेकिन आप समझिए 32 करोड़ अगर सिम कार्ड दिया गया आधार पर कितना कागज बचा कितना कंजर्वेशन हुआ अभी हम लोगों ने मोबाइल मोटर व्हीकल लाइसेंस को आधार से जोड़ा है हमने और गडकरी जी ने काम किया है आपको मालूम है कि ड्राइवर शराब पी के चलाया करते थे एक्सीडेंट कर दिया करते थे लोग मर जाते थे और दूसरे शहर में जाकर वो डुप्लीकेट नाम से दूसरे नाम से लाइसेंस ले लिया करते Now if they try, the system will react, sorry, this man biometrics is there, he is already having a license. So Aadhaar in a very short span of time has shown its utility, welfare and empowerment. So and it is completely safe and secure, I want to assure, very categorically. Baaki baatein hum alag se vistar se karenge. To mitro, ye kul mila ke ye mamla hai. आपको हम एक बात और कहना चाहते हैं कि जो डाटा प्रोटेक्शन काउंसिल बना है उसकी रिपोर्ट हम जल्दी ही आएगी और सुप्रीम कोर्ट ने जो जो प्रिंसिपल इनन्सिएट किया है आज के जजमेंट में द गवर्नमेंट स्टैंड्स कमिटेड विद दैट आई विश टू मेक इट वेरी क्लियर
And what are those principles? Let me outline. Number one, right to privacy is a fundamental right. Number two, it is not an absolute right. Number three, it is subject to reasonable restriction, which must be fair, just, and reasonable. And number four, every government initiative must be balanced upon the touchstone of individual right of privacy and the state's interest for the country. ये जो पूरा sum and substance है आज के इस judgement का, हम इसका पूरा सम्मान करते हैं. मित्रों, एक बात मुझे political comment करना है. आज मैंने राहुल गांधी का tweet देखा है कि हम fascist state ला रहे हैं. That has been stopped. और कांग्रेस के कुछ नेताओं का भी. राहुल गांधी के बारे में मेरी एक टिप्पणी रही है कि थोड़ा वो होमवर्क करना सीखें. बिना होमवर्क किए बोलना उनकी आदत है. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनके इस जबरदस्त गुण का असर उनके वरिष्ठ नेताओं पर भी पड़ गया है. वो भी बिना होमवर्क किए हुए आरोप लगाते हैं. अगर इस जजमेंट को पूरा पढ़ लिए होते तो सुबह से जो बताया है शायद उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती. थैंक यू. I'm open to questions now. Thank you, Honorable Minister, sir. Yeah, let us start with. Okay. This is Sandeep from the Hindu. One question I wanted to ask was with more of a clarification with regard to IPC 377. There is a view and articulated by people like Mr. Kapil Sibal, who says that the judgment makes it clear that sexual orientation is part of right to privacy. Hence, the debate over Indian Penal Code 377 is settled. Does the government share this sort of an interpretation? I think today is a very important day to talk about the poor, underprivileged, and the right of privacy with regard to them. On that issue, we will revert to at some time in future. Yeah, please. Sir, good evening. What is the impact of the judgment on data collection by companies like WhatsApp, Facebook, Google? And secondly, the committee formed on the data protection law, do you see any changes in the terms of reference or any impact, implication on that of the judgment? Let me clarify it. I'm happy you have asked this question. The Narendra Modi government is very proud to see the evolution of India's digital power. And India today, world over, is being recognized as an emerging digital power. Digital India, Startup India, Make in India are a part of that process. And today we are very happy that if there are 118 crore mobile phone, 117 crore Aadhaar, 50 crore plus smartphone, internet, India is becoming a robust digital power. And we are also taking good care of our cyber security and safety. I'm very happy that all the big international companies are coming to India in a big way, whether it is Google, whether it is Facebook, whether it is WhatsApp you talked about. They all are welcome. But we have already outlined that data is important. And the government is very keen that in robust use of data with due regard to safety and security, India must lead an international benchmark like we did in the case of Aadhaar. इसीलिए हमने वो कमेटी बनाई है. वो कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए. उसमें साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग हैं, टेक्नोलॉजी के लोग हैं, हमारे एक बहुत एमिनेंट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के चेयरपर्सन हैं, एंड दे विल गो फॉर मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन इंक्लूडिंग फ्रॉम एवरीवन. सर, मैं लक्ष्मण, CNBC आवाज से. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिस तरीके से आपने बताया, क्या इसके बाद ये माना जाए कि आधार एक्ट या फिर आधार से जुड़े हुए दूसरे स्कीम में जो मैंडेटरी किया गया है उसके कायदे कानून में फिलहाल किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है? देखिए, मैंने बताया नहीं, मैंने पढ़ा. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बताने का अधिकार हमारा नहीं है और कानून मंत्री से गलती आप कभी नहीं कराई है. मैंने इसको पढ़ा है, ये पहले ध्यान रखिए. इसलिए मैंने, अब बाकी तो वो एक अलग विषय देखेंगे, लेकिन आज मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ, जैसे मैंने 3-4 सेवाओं की चर्चा आपसे की, उन सेवाओं का जनता को व्यापक लाभ मिला है, ये समझना चाहिए. So you've tried to give a different spin to what was, clearly what the Attorney General had given and his arguments in the court.
very categorically, while even citing Mr. Arun Jaitley's submission and you know his way, this was cited in during the course of the argument, the y'all argued that it is not an absolute right and it's subject to restrictions, and your Attorney General and the various other counsels, including the various secretaries here who had petitioned the government on your behalf, you know, argued differently. While you're welcoming it, don't you see it as a setback for the government in terms of what you argued? Not the least. I differ with your understanding of our position. Therefore, I have read it. And since you have quoted about the Attorney General also, let me quote the argument of Attorney General also. He had said it is not a general or separate right of privacy. And let me quote, no blanket right to privacy can be read as a part of fundamental right, and where some of the constituent facets of privacy are already covered by enumerated guarantee in part 3, those facts will be protected in any case. Third, where a specific species of privacy are governed by the protection of liberty in part 3 of the Constitution, they are subject to reasonable restriction in public interest as recognized in some decision of the court. That was after prodding of the ninth judge. I don't think I need any prodding from you. I know what was conveyed to my Attorney General. I was a part of the process, and I'm quite sure about that. Okay? Yeah. Hi, sir. Just want to understand that. And whether Mr. Arun Jaitley's observation or whether the Attorney General's arguments, both have been upheld by the courts. I read to that. Sir, I just wanted to understand that what is going to be the government's move as far as the Aadhaar's linkage with schemes which are not related to social welfare schemes are concerned, because like you said that, you know, the court has said that there can be reasonable restrictions, but they're limited to a few areas such as welfare payments. So what happens to other schemes which are not related to welfare scheme? I think I need to make it very clear, Surabhi, that Aadhaar per se is not considered in this judgment. The general concept of right to privacy as a fundamental right was the issue. And the court itself has stated, now it will go to a 3-bench decision to consider the larger validity separately of Aadhaar. So till then there is no clarity. Just a minute. Now in terms of, there is a various interim order by the Supreme Court before the law came into force. Now a law has come. The law also says Section 7 is very clear that no one can be denied unless there is alternative documents or identification available, but they must come on Aadhaar. To hold the regime of use of Aadhaar for utility is laid down. Rest, let's await the hearing in the Supreme Court. Yes. Lest I may not be guilty held again that I am not putting the correct things. Yeah. Yes. Sir, two things. One, Justice A.P. Shah's committee report was in 2012 on setting up privacy commissioners. And they also made many points that even bodily parts which identify a person is related to प्राइवेसी रिलेटेड नॉर्म्स होने चाहिए, एक पार्ट वो था. दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने स्नोडन का मेंशन किया है कि उसने जो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन की थी कि किस तरह से स्पाइंग हो रही है सब कुछ, उसको लेकर सरकार ने क्या एक्शन किया और क्या करने का सोच रही है? आज किसी स्पेसिफिक एडवेंचरर्स के डीड्स या मिसडीड्स पर चर्चा करने को मैं नहीं बैठा हूँ. आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए बैठा हूँ. यस. I must tell you, you are quoting one of the exchanges in the course. Reuters go to London, go to Washington, or come to Delhi. Whenever cases are argued, there's a lot of banters, a lot of exchanges. Okay? But ultimately, the core of the argument is noted in the judgment of the respective sides, and a conclusion is reached. Therefore, what I read of that original argument is what noted in the judgment itself. What about our geographical location? I couldn't understand that. The law is same, the practice is same, with one caveat, it must be a democracy. Therefore, the three places I mentioned about are all democracies. Yeah, please. Sir, you quoted extensively your name, Obuntika Ghosh from the Indian Express. Yes. You quoted extensively from the Supreme Court judgment. Let me also quote two sentences. Sexual orientation is an essential attribute of privacy.
Discrimination against an individual on the basis of sexual orientation is deeply offensive to the dignity and self-worth of the individual. My question is, your government has placed before the parliament a surrogacy bill in which you do not allow homosexuals and live-in couples to go for surrogacy. What impact would this judgment have on that bill? Of that I cannot comment upon. That surrogacy bill consideration is not the issue today. Relevant. Yes? Let me reply to both your queries. As far as the first part is concerned, there was a challenge separately of Aadhaar being made mandatory with PAN card. The Supreme Court has repealed that. Okay. Now, I cannot stop anyone from seeking a re-agitation of the issue in the context of the judgment. But we have the firm view that the use of PAN card linking with Aadhaar was good national interest to prevent money laundering. And the government is on very firmer grounds. As regards cyber security, yes, I'm happy you have raised that question. We are erecting our cyber wall of security in a very, very substantial way. Our Prime Minister has said very clearly that cyber war is a bloodless war. And we are promoting, auditing, cyber drills, cyber education, a cyber coordination center. All these things are going, and some time ago I had a conference of India's digital economy becoming a $1 trillion economy potential, in which we are very sure cyber security in India, a small product will play a crucial role. Yeah, Vikas. Bariya sahab, Vikas Babu. प्रतिबंध मौलिक अधिकार के संबंध में क्या है संविधान में ही लिखा हुआ है आपके बोलने का अधिकार नैतिकता पब्लिक ऑर्डर फ्रेंडली रिलेशन फॉर द फॉरेन कंट्री राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर नियंत्रित हो सकता है अब कोई अगर चाहे कि मैं नग्न अवस्था में जाकर राष्ट्रपति भवन के सामने भाषण दूंगा कि मेरा बोलने का अधिकार है संभवतः पुलिस रोक देगी उसको आपका अधिकार यह नहीं आपको आलोचना करने का अधिकार है यह आपका अधिकार है आलोचना में पत्रकार के रूप में अगर आप डिफेमेशन की सीमाओं को लांघेंगे तो कानून अपना काम करेगा क्योंकि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसी प्रकार से आर्टिकल 21 के बारे में कहा है कि द पीपल ऑफ इंडिया विल हैव राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एज पर ए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इट कैन बी डिफाइंड कोर्ट ने क्या कहा है ये प्रोसीजर फेयर होना चाहिए रीजनेबल होना चाहिए जस्ट होना चाहिए तो आप जीने के अधिकार का भी अतिक्रमण कर सकते हैं किसी कानून के द्वारा लेकिन आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि जो अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है वो न्याय संगत है वो पारदर्शी है और वो एक बड़े उद्देश्य के लिए दिस इज अ मैटर ऑफ सम एग्जामिनेशन एक्सेप्ट टू लॉज ए कैवियट that if right of privacy has been embedded as a part of fundamental right, then all the data collection being the non-state authorities also will have to abide by that. We'll make it the last question. Yeah. Would that apply to Google and WhatsApp? I did not say that. I think earlier I elaborately held that. That is a question to be examined, but they will have to abide by that, yes. And the rationale for having a data protection law committee is only to ensure a robust data regime for India, for safety and security, and also regard to privacy. We'll make it the last one. देखिए कांग्रेस के आरोप पर मैं क्या बताऊं उन्होंने देश के लोगों की निजता कैसे खतरे में डाली थी जयप्रकाश से लेकर रविशंकर प्रसाद तक ये हम सभी इमरजेंसी में भुगत चुके हैं मैं बता चुका हूं उसकी चर्चा मत छोड़िए लेकिन आपने बताया ना कि
50 से आज तक समय के प्रवाह से बदलाव होता है, पत्रकार भी करते हैं, पत्रकारिता भी करते हैं, तो माननीय न्यायमूर्तियों को भी समय के प्रवाह से बदलाव करने का अधिकार है और उस बदलाव का हम सम्मान करते हैं. That's all. Sir, I'm Richa here, business line, and I had a very specific question. Of course, it has been asked also earlier, that issue about Google and WhatsApp and others coming in, sir, and that privacy has become a big issue. You are also in know of it. Would you also be looking at amending the cyber law? Because one doesn't know where these people will fall in. Data Protection Committee is looking at one aspect, yes, but cyber law is another. Other related one was, sir, that banks also are sharing information with telecom operators. And there have been tie-ups. There may be instances where a consumer may not like to share his information, but banks are doing it. Seedings are happening. So we would like your views on that. Let me make it very clear. I am not sure about the public bank. They are not. But if any private bank is seeking to share data, if at all, they must follow the Aadhaar Act. Consequences will follow. I wish to make it very clear. As regards Google and others, as I said, we are very proud that India is emerging as a digital power. Today, FDI is completely free in the IT sectors. Today, Google and Facebook are also empowering Indians. Ordinary Indians today are on social media. Let's celebrate that. They criticize, that we also celebrate. But today I can only give this caution that these big technological giant in the field of IT should also learn to respect the laws of India. That's all I can tell you. Thank the Honorable Minister and other dignitaries on dais. Thank you, friends, for being here once again at a short notice.